लव हिम हेट हिम बट यू कांट इग्नोर हिम। विवियन डिसेना का कुछ यही कहानी बिग बॉस के घर के अंदर चल रहा है। बिग बॉस के लाइव फीड में इस वक्त दोस्तों घर के अंदर हो रही है बहुत जबरदस्त बात है। चुमदरंग, करणवीर मेहरा, शिल्पा, यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि बग्गा साहब और साथ ही रजत दलाल बैठे हुए हैं जहाँ पर हो रही है यहाँ पर विवियन की बात। और विवियन की दोस्तों चर्चा यहाँ पर होती ही रहती है क्योंकि विवियन है ही इस टाइप के कि उनके बिना चर्चे के कोई भी कन्वर्सेशन ना ही एंड होता है और ना ही उसका स्टार्ट होता है। मतलब यहाँ पर स्टार्ट भी हर कन्वर्सेशन का यहाँ पर विवियन होते हैं और वहीं पर जब खत्म भी हो रहा होता है कोई टॉपिक कोई बात तो वहाँ पर विवियन का नाम आता ही आता है। दोस्तों ऐसा तो क्या हो गया है बताते हैं दोस्तों पूरी खबर। दरअसल यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर लाइव फीड में चुमदरंग बैठी हुई थी यहाँ पर और सभी लोग बातें कर रहे थे जहाँ पर विवियन ने अभी यहाँ पर खाना बनाया दोस्तों घर के अंदर। बट खाने को लेकर के जो बात हुई है उसके बाद जो बातें कही है दोस्तों वो उससे बड़ी बात है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर जब विवियन ने घर के अंदर सबके लिए खाना बनाया तो वो खाना दोस्तों विवियन बहुत ही दिल से बनाते हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर वो उसको इतने दिल से बनाते हैं कि उसमें बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और वो बहुत अच्छा स्मेल कर रहा होता है। सब कुछ परफेक्ट होता है दोस्तों और इसके वजह से यहाँ पर विवियन जो है वो हमेशा खुश रहते हैं किसी को खिलाने में। बट दोस्तों यहाँ पर ये वाली बात नहीं है कि विवियन अच्छा खाना बनाते हैं, इस बात की तारीफ नहीं है दोस्तों। तारीफ यहाँ पर इस बात की है कि यहाँ पर चुम जो कि दोस्तों इस घर के अंदर शायद घर में ही मानना है दोस्तों बाकी लोगों का मेरे को नहीं पता बट घर के अंदर ये लोग को मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है कि चुम घर के अंदर काफी अच्छा खाना बनाती है। लेकिन वो जो सबसे अच्छा खाना बनाती है वो खुद इस बात का तारीफ कर रही है कि विवियन अच्छा खाना बनाता है और इस बात को लेकर के यहाँ पर जो है बाकी लोग जो वहां पर बैठे हुए थे वो भी बोलते हुए नजर आए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर करणवीर मेरा बोले कि मुझे तो चुम की का ही खाना पसंद है। हालांकि दोस्तों ये बात क्यों बोला आप सबको मालूम है कि यहाँ पर हैशटैग चुमवीर वाला चीज तो हो रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं निकल तो रहा है। कितने जल्दी अब इसका यहाँ पर वो प्रोमो करता है वो देखना इंटरेस्टिंग है। बट इसके बीच में यहाँ पर जो है बहुत इंटरेस्टिंग बात कह दी है यहाँ पर रजत ने और उसमें सबकी हामी आई है दोस्तों। दरअसल यहाँ पर बोलते हुए आया रजत की मुझे लगता है कि विवियन भाई जो भी काम करते किसी के लिए भी वो काफी दिल से करते हैं, वो ये नहीं देख रहे होते अगर उसको लगता है कि यहां पर किसी का राशन आ चुका है उसके पास चाहे फिर वो उसका दोस्त रहे दुश्मन रहे उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। वो बंदा जो कर रहा होता है वो दिल से करता है और पूरी तरह से उस टाइम ऐसा लगता है कि वो उसी में इन्वॉल्व है उसमें और पूरा का पूरा सब कुछ देता है बाय हार्ट देता है वो। इसमें कोई भी यहां पर वो ऐसा नहीं करता कि यार उसके लिए मैं नहीं करूंगा इसके लिए नहीं करूंगा वो मेरा दोस्त नहीं है ये मेरा दोस्त नहीं है ये मेरा दोस्त है इसको ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं ऐसी बातें वो करता ही नहीं है खाने को लेकर के क्योंकि वो इन चीजों में लड़ने वाला बंदा है ही नहीं। जो कि दोस्तों बाकी बहुत ही करेक्ट बात बोली क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों शहजादा ने बहुत ही डिसरिस्पेक्ट से यहां पे बात की थी विवियन से जिसका कि यहां पर दोस्तों खाने को लेकर के मैटर था तो उस पर विवियन ने कुछ बात उठाया ही नहीं उसको कुछ बड़ा बनाया ही नहीं और ये एक कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे कंटेस्टेंट का होता है। इसी बात का दोस्तों मुद्दा बनेगा बट ऑब्वियसली बात छोटे बात का मुद्दा अभी तक कोई लड़ाई स्टार्ट हुई नहीं है तो उसको क्यों बड़ा करना है। हो सकता है इस बात का मतलब 2 महीने बाद देखिए तब हो सकता है शहजादा काफी ज्यादा यहाँ पर जो है उसके विवियन के आंख में चढ़ा हुआ हो तो फिर ऐसा संभव है। बट अभी छोटी छोटी बातों को लेकर वो भड़क ही नहीं सकता और इस बात की तारीफ उसके पीठ के पीछे भी सभी घर वाले करते हुए नजर आए। आपका दोस्तों इस पर क्या रिएक्शन है क्या आपका मानना है या नहीं कमेंट करके जरूर बताइए। सब्सक्राइब करें फर्दर अपडेट के लिए।